अक्षत राज ने प्रेस वार्ता क्यों बुलाई? जैसे आप लोगों को पता होगा, पूरे बिहार में छासन चुनाव की मांग हम लोगों ने किया और छासन चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया गया। पटना विश्वविद्यालय में छासन चुनाव 7 फरवरी से है और छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने ये निर्णय लिया कि छासन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों के द्वारा जो धर्म के नाम पर जो राजनीति करने का जो हथकंडा अपनाया गया है, जो छात्रों के लिए काफी और गलत है, उन तमाम चीजों के विरोध में हम लोगों ने छात्रों के तमाम समस्याओं को लेकर छासन चुनाव के लिए हम लोगों ने 5 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय महाधरना का हम लोगों ने आयोजन किया। उस एक दिवसीय महाधरना में जो 7 फरवरी से पूरे बिहार में छात्रसंघ चुनाव को लेकर जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है 7 फरवरी से पूरे बिहार में, उसके पहले हम लोग 5 फरवरी को पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो आम छात्रों का जो मुख्य समस्याओं में मैं आपको अंकित कर देता हूँ, पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में सेशन लेट जो सबसे बड़ा मुख्य समस्या है, पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में नामांकन से लेकर परीक्षाओं तक में धांधली, और पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भारी कमी जो कि छात्रों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेकर हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन 5 फरवरी को बिगुल फूकेंगे ताकि जो भी संगठन आए क्योंकि वो छासंग चुनाव आम छात्रों के हित के लिए हो और ये छात्रों के जीवन के लिए और छात्रों के भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए ये एक सरकार के मतलब राज्यपाल महोदय का एक पहल है जिसको हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ा जाए। दूसरी जो बड़ी सवाल आती है, जो आप 5 तारीख को बैठक कीजिएगा, इसमें कौन लोग रहेंगे, कितने छात्र रहेंगे, कौन इसको 5 तारीख को हम लोगों का धरना है महाधरना। उस महाधरना का जो मुख्य उद्देश्य होगा, आपने जो बोला कौन कौन लोग रहेंगे, तो उसमें सबसे अहम लोग में से रहेंगे पूरे बिहार के छात्र, 9 विश्वविद्यालय के वो छात्र जिनको यहाँ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा शोषित छात्र हैं, वो तमाम छात्र उसमें भारी के भारी संख्या में रहेंगे। 5,000 से ऊपर की संख्या में छात्र उस धरने में शामिल होंगे। और हमारे पास जो सबसे बड़ा विषय समस्या आया है, पटना यूनिवर्सिटी में लिंक 2 कमेटी के अनुसार चुनाव कराया जा रहा है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का सेशन बिल्कुल क्लियर है, मगर पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर बिहार के तमाम विश्वविद्यालय 6-6 साल जेपी यूनिवर्सिटी लीड चल रहा है, उसमें राजभवन के द्वारा चुनाव कराने का प्रस्ताव लाया गया है। उसमें जो चुनाव जो हो रहा है, जो राजभवन के द्वारा जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से राज्य सरकार के दबाव में आकर वो चुनाव कराया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि छात्र संघ चुनाव में जो हमारे जो उम्मीदवार होंगे छात्र राष्ट्रीय जनता दल के, वो बिल्कुल साफ सुथरा छवि वाले उम्मीदवार होंगे। गठबंधन तक की जहां तक की बात आती है, हमारा संगठन का दरवाजा खुला है, जो लोग सामाजिक विचारधारा को और छात्र हितों के मुद्दे को लेकर आएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। It's not a matter of joke.